गुड मॉर्निंग नाइन्थ का स्टूडेंट। अभी तक बेटा हमने क्या क्या पढ़ा? हमारा फर्स्ट चैप्टर साइंस का चल रहा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने इसके अंदर देखा था कि मैटर क्या होते हैं, मैटर किस किस स्टेट में पाए जाते हैं और स्टेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर हमने देखा था कि क्या मैटर स्टेट चेंज कर सकती है, तो हमने देखा था कि हाँ चेंज कर सकती है। टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, जिसका नाम है ई वैपोरेशन। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड ई वैपोरेशन। मतलब क्या? ऐसी वर्क या ऐसा काम जिसमें जो हमारा लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट तो हो रहा है लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसके बॉइलिंग पॉइंट के पहुंचने से पहले ही वो अगर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज तो कर रहा है लेकिन अभी जो हमने पिछली बार देखा था उसमें ये देखा था कि स्टेट कब चेंज हो रही है, जब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जा रहा है या मेल्टिंग पॉइंट तक अपना सॉलिड जा रहा है। ठीक है, सॉलिड को हमने मेल्ट किया, मेल्टिंग पॉइंट तक आया तो उसने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया। अगर हमने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना चाहा तो हमने उसकी एनर्जी को एनर्जी दी, उसकी एनर्जी को इंक्रीज करते गए ताकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़े। काइनेटिक एनर्जी का हमने इतना बढ़ाया कि वो लिक्विड जो था हमने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँच गया और बॉइलिंग पॉइंट तक आने के बाद वो किस में कन्वर्ट होने लगा? वेपर में कन्वर्ट होने लगा, गैसेस में कन्वर्ट होने लगा। तो हमने बोला कि उसने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया। अब इवेपोरेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट तो होगा वेपर के अंदर लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही वो कन्वर्ट होने लगे। ठीक है, अब इवेपोरेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इवेपोरेशन पर इफेक्ट डालते हैं? सबसे पहला है एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया को बढ़ाते जाएंगे इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर एग्जांपल के तौर पर हम देखा जाए कि जब भी हम कपड़ों को सुखाते हैं, गीले कपड़ों को जब भी हम सुखाते हैं तो उनको फैला कर सुखाते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो कपड़ा जो है वो जल्दी सूख जाएगा, जल्दी ड्राई हो जाएगा। अगर हम उसको मुड़ी मुड़ी करके वैसे ही वहाँ पर डाल देंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, जल्दी ड्राई नहीं होगा। इसलिए हम उस सरफेस एरिया को जितना हम इंक्रीज करते जाएंगे इवेपोरेशन की प्रोसेस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें सरफेस एरिया की, जो लिक्विड की जो सरफेस होती है बेटा, लिक्विड की जो सबसे ऊपरी वाली सरफेस होती है उस सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है काफ़ी कम होता है। तो हल्की सी एनर्जी मिलने पर भी वो क्या करते हैं, अपने अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ देते हैं और तोड़कर वो वहाँ से वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमने यूजुअली देखा होगा कि अगर किसी प्लेट में किसी कटोरे में हमने पानी रखकर छोड़ दिया है तो ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो पानी जो है वो प्लेट का वो सूख चुका होगा। तो वो पानी कहाँ गया, ना किसी ने उसका यूज़ किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पानी हमारा जो है एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा, सूखने लगता है पानी प्लेट के अंदर रखेंगे, कटोरी में रखेंगे, कुछ दिन बाद हम देखेंगे तो चेंज मिलेगा। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि एक खुली वाली प्लेट के अंदर आपने पानी लिया, उसको आप एक खुली विंडो के पास में रख दीजिए कुछ दिनों के लिए और उसी नाप की खुली वाली प्लेट के अंदर पानी डालकर आप उसको एक कवर्ड में रख दीजिए, बंद जगह रख दीजिए। तो देखिए आपको अंदर दिखेगा कि जो आपने विंडो के पास में प्लेट रखी है उसका पानी जो है वो जल्दी कम होना स्टार्ट हो जाएगा और जो आपने कवर्ड के अंदर रखी है उसका पानी देर से मतलब कुछ दिनों बाद खत्म तो वो भी हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट वो भी हो जाएगा अपने आप, लेकिन कुछ दिनों बाद। अब वहाँ पर हम कोई भी एनर्जी उसको एक्स्ट्रा एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो जो भी एनर्जी ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है, एटमॉस्फेयर से ले रहा है। मतलब एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में जितना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा उसके हिसाब से जो पानी है हमारा वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जल्दी ड्राई होने लगेगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट है एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है ना। बारिश के मौसम में अगर हमने किसी प्लेट में पानी भर कर रखा है या कहीं पर पानी है तो वो जल्दी नहीं सूखता है ना, क्योंकि टेम्परेचर उस समय इतना नहीं होता है ज़्यादा। ठंड के मौसम
जाएंगे, इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बेटा कि जैसे अगर हम बात कर लें कि हमारी जो एयर होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ जो होते हैं ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर की, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, मतलब पानी की हल्की हल्की बूंदें उसके अंदर दिखाई देती है। ये जो ह्यूमिडिटी होती है बेटा ये बारिश की तरह कुछ ज़्यादा ही हमें दिखाई देती होती है हमारे एटमोसफेयर में। उसमें क्या होता है, उसमें हमें ये पता चल रहा है ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स अवेलेबल है। अगर एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होंगे तो एयर जो है जो हमारे सरफेस का वाटर है उसको एब्जॉर्ब कम करेगी, उसको वेपर में चेंज ज़्यादा नहीं कर पाएगी, क्योंकि एयर भी एक डेफिनाइट यूनिट तक ही क्या हो सकता है, डेफिनाइट यूनिट तक ही क्या कर सकती है वो ड्रॉपलेट्स को या वाटर ड्रॉपलेट्स को ले सकती है। अगर उसके पास में इनफ अमाउंट है वाटर का, वाटर ड्रॉपलेट्स उसके अंदर अवेलेबल है, तो वेपराइजेशन की जो प्रोसेस है या इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो धीमी हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट करेगी। जब तक उसका अमाउंट वहाँ पर उसको जगह नहीं मिलेगी वाटर ड्रॉपलेट्स को वहाँ तक जाने में, तब तक इवेपोरेशन की प्रोसेस वहाँ पर नहीं होगी। तो जैसे जैसे हम ह्यूमिडिटी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। मतलब जितनी ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में अवेलेबल होगी उतना कम वो इवेपोरेशन की प्रोसेस करेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें एंड इंक्रीजिंग इन वाइड स्पेस, है ना, वाइड स्पीड या वाइड स्पेस या वाइड स्पीड की बात करें तो आप जितनी हवा ज़्यादा चलती है, जितनी हवा तेज चलेगी उतना आपका जो कपड़े हैं वो ज़्यादा जल्दी सूख जाएंगे, है ना, ऐसा होता है। तो हवा की स्पीड पर भी क्या डिपेंड करता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे जैसे हवा चलती जाएगी तो क्या होती है, हवा जो होती है एयर जो होती है वो क्या करेगी, वाटर ड्रॉपलेट्स को लेकर जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स को लेकर उड़ती है। जैसे आपने बारिश के सीजन में भी कभी देखा है ना कि बारिश अगर आ रही हो और तेज़ हवा चल रही होती है तो हमें बारिश की बूंदें उड़ती हुई दिखाई देती हैं, है ना, दिखा देती है हमें कि तिरछी दिखती है, इधर साइड पानी जा रहा है उस साइड पानी जा रहा है, हमें दिखाई देता है। तो वैसे ही अगर हम हमारी जो हवा है वो अगर ज़्यादा तेज़ी से चल रही होगी तो हमारे कपड़ों में या जहाँ पर भी पानी होगा उसकी ड्रॉपलेट्स वहाँ से जल्दी उड़ेगी, जल्दी उसको लेकर जाएगी, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस भी वहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, जल्दी हो जाएगी, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है समझ में आया, इवेपोरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर जाने से पहले ही लिक्विड जो है अपनी स्टेट को चेंज कर देगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। कौन कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट करते हैं, सबसे पहला फैक्टर हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम सरफेस एरिया को बढ़ाते जाएंगे इवेपोरेशन की प्रोसेस भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे इवेपोरेशन की प्रोसेस भी इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे हम ह्यूमिडिटी को बढ़ाते जाएंगे तो इवेपोरेशन की प्रोसेस डिक्रीज होगी, और अगर ह्यूमिडिटी को हम डिक्रीज करते जाएंगे कम करते जाएंगे तो इवेपोरेशन की प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी। चौथा फैक्टर हमने क्या देखा है, इंक्रीजिंग इन वाइंड स्पीड, जैसे जैसे हम हवा की स्पीड जैसे जैसे हवा की स्पीड जो है